जी जय श्री राम, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो और भाई अभी मेरे भाई की होगी चलने की तैयारी, कल है उसकी ट्रेन, तो अभी हम जो है तैयारी कर रहे हैं कपड़ों में प्रेस करने की। और पता क्या है, उस दिन से बोल रहे थे भाई उन्हें बता दे कि कौन कौन से कपड़े लेके जाने तुझे कौन से नहीं, तो कह रहा बता दूंगा। आज सुबह उठते ही सार बोलने लगा मेरे कपड़ों पे, इन पे प्रेस होनी, वरना कुछ पे हमने करके रख दी जो हमें पता है। पुरानी वर्दी थी उसकी, थोड़ी सी नई थी, तो फिर भी अभी सभी जो कपड़े रह गए ना उसके सारे कपड़े प्रेस करके रख देंगे। एक सूट केस आ गया है, कुछ पे तो हो रही है, कुछ पे रह गई, तो अभी इन पे प्रेस होगी। तो कमरे में तो हो रही गर्मी और यहाँ पे ना बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, नेचुरल हवा लग रही है, एकदम से मौसम हो रहा है ऐसा बारिश वाला, तो ठंडी ठंडी हवा आ रही, कहीं बारिश हो रही होगी इसलिए तो ठंडी ठंडी हवा आ रही, वरना काफ़ी दिनों से ना गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने प्रेस लगा ली और ये है, अभी मेज पर बैठ के करेंगे, नीचे नहीं करने के, और वर्दी पर प्रेस करेंगे, फिर अपने कपड़े प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी भी होगी चलने की तैयारी, मेरी भी और गंगा की भी, दोनों की चलने की तैयारी होगी अभी। गंगा ने करी बस पहले मुझे छोड़ गई फिर मतलब छोड़ गए, क्योंकि मम्मज का तो थोड़ी सी दूरी है, पास नहीं है गाँव, तो आधा घंटा लगेगा गंगा को तो जाने को, मुझे एक डेढ़ घंटा लग जाता है, तो कोई बात नहीं, मैं शाम के टाइम चली जाऊँगी और जी गंगा सुबह चली जाएगी। सिल रही यहाँ पर अपना सूट और बाहर ही रख ली मशीन, वो इसलिए क्योंकि बोल रहे कि भाई जी सा लग जाएगा एक जगह बैठे बैठे, तो एक सूट तो इसने सिल दिया, आँचल ने सिल दिया था, ट्राउजर से सिखाया है आँचल ने सिलना, तो बोल रही है ये मैं सिल लूँगी सूट। वैसे तो इससे सिलाई आवे, गंगा कब सीखी थी सिलाई? टेंथ में, टेंथ की छुट्टियों में मैंने सीखी, पेपर जिस दिन पेपर खत्म हुए थे ना दसवीं के, उससे अगले दिन नहीं होते, उस दिन आते आते ही स्कूल से मतलब जो मैडम थी हमारी उससे बात करी आई थी कि मैं सिलाई सिखा दियो, 10-15 दिन गए बस सीख ली थी सिलाई। और जी अभी बस ट्राउजर सिल ली, भाभी का सूट ही हो अपना तो सिल लिया, भाभी का सिल रही और सीख भी लेगी, तो कह रही ट्राउजर नहीं आते मेरे से सिल ले, तो आ चलने से सिखा दिया और आ भी गया। चलो भाई इतना हार्ड नहीं है, इजी है, मतलब कि ट्राउजर वगैरह सिलाई वगैरह काम करना ही सब चीज़ है। तो गाइस अभी दोपहर का टाइम है, बोले कि कपड़ों पे कर रहे हैं प्रेस वर्दी, अभी बस उसकी चलने की तैयारी होगी ना, तो हमारी भी चलने की तैयारी होगी, तब तक से हम यहाँ पे मायके में, जब तक बोला था थोड़ी सी इसी वजह से आ रहे थे, और मम्मी ने बोल रखा था सासू माँ ने, यानी कि भाई चलो तुम्हारा भाई आ रहा रह के आ जाओ कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो जब तक अब आना होगा, देखो 7-8 महीने में तो अब आए थे, अभी जब भी आना होगा भाई जब बोला आएगा, देखो बोला 4-5 महीने या 6 महीने जब भी आएगा तभी आ आना, अब पक्का प्रोमिस करके जा रहे उससे पहले, हाँ भाई कभी इमरजेंसी में ना हो गया तो आ जाएंगे, देखो भाई अपना माइक आया कभी भी आ सकते हैं कभी भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो सभी का काम है अपने, तो अभी उसकी वर्दी पे प्रेस कर दें यहाँ पे, तो बस कुछ एक दो धोई है अभी ज़्यादा नहीं, और ये पूरा बैग है अभी पूरा का पूरा देखो सामान है, देख भाई ये है चादर वगैरह है बैड की, भाई ये बैट वगैरह है, बहुत सारा सामान है इसकी, जो पढ़ाई की भी किताब है डायरी वगैरह ये सब भी, मच्छरदानी है, बहुत सामान है जो उसका पैक होगा, अभी तो प्रेस करके रख रहे हैं, तो शाम के टाइम जब बैग लगाएंगे जब भी दिखाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा खाने पीने के लिए बनाएंगे लड्डू वगैरह वो भी दिखाएंगे आपको कि हम क्या क्या बनाते हैं अपने जुनून वाला यारी तबाकी हमारी देखो ले तबाकी मोगली की तबाकी तबाकी बच्चों को इतने परेशान कर रहे हैं, आ जा तबाकी चलो भैया के पास जाओ मोगली तबाकी दो ड्रेस पे प्रेस होगी, बोले कि 4 वर्दी है नहीं तो दो पे तो मैंने कर दी, तो यहाँ दो लगा कर रख देंगे भाई, 4 वर्दी जाएंगी देखो भाई इमरजेंसी में, चारों के चारों दे देंगे, वो तो कह रहा दो ही लेके जाऊंगा लेकिन हम सोच रहे कि 4 की 4 दे दे, तो यहाँ पे प्रेस होगी देखो बहुत अच्छा लगा है, एक अलग ही फीलिंग हुआ है वर्दी पर प्रेस करने की, हाँ भाई मतलब कि एक अलग ही खुशी है जब वर्दी पर प्रेस कर रहे, और भाई अच्छा खुशी खुशी में सारी चीज़ें ये वाली प्रेस कर दी, उस दिन थोड़ा इमोशनल मोमेंट था, उस दिन बोला आया था और कल को भी थोड़ा सा जी दुख था, कल को बोला जाएगा ना पर लेकिन फिर भी खुशी के आंसू होंगे वैसे नहीं होंगे, यहाँ भाई देखो हमारा भाई ड्यूटी जा रहा अपने, फिर चलो जब आएगा जब जा जाएगी मिलने के लिए, और गंगा भी ज़्यादातर इसीलिए आई हुई है कि भाई बुआजी का लड़का आ रहा बोला आ रहा उससे मिल लेंगे, फिर तो क्या पता क्या कब मिलना होगा, मतलब कि इतना गर्व महसूस हो गया प्रेस कर तो बहुत ज़्यादा, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक चीज़ और बता दें आपको, जो बोले कि आया था ना जिन वेलकम की वीडियो थी वो फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही आप सबके द्वार प्यार से, और जिस किसी ने भी नहीं देखी हो ना तो जाके देख लियो फेसबुक पे, उस पर ना वो 5 मिलियन हो गए शायद 6 मिलियन भी हो गए उस पर,
और आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद। और कमेंट भी इतने अच्छे अच्छे आ रहे, मतलब कि कमेंट देख के इतना गर्व महसूस हो रहा बहुत ज़्यादा। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही है। देखो थैंक यू सो मच। कौन से लोग मुंडली वाला फराद चुप्पा लग गया जाके चला गया। पिंक वाला भैया और अच्छे से नहीं हो गए क्या? वैसे दिखा दो क्या देने छह वैसे ले जाओ। फैंसी ले जो 50 वाली है वो तो 40 की लगा दी, उनकी 60 वाली है 50 वाली नहीं है भैया। वो बताया तो भाई ने आपको भी भाई हमारी गंगा को मजा नहीं आई कोई थी। सिंपल सी आई थी क्या? ऑरेंज कलर की ब्लू वाली देख ले देखा वैसे है इतनी खास नहीं है यार। ये तो एक गया लग रही ना पैरेट कलर की अच्छी है ना। हाँ भैया 8 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी भी दिखा दो और 5 के भी। हाँ हमारे कान्हा जी की पगड़ी नहीं है ऑरेंज कलर की। आज की 8 नंबर का जी भैया नहीं आने की नहीं। मैं तो यही लूँ बस, मुझे तो अच्छी लग रही है पिंक वाली। पिंक वाली लू कैसी? ये तो मैं खुद भी बना सकूँ घर। हाँ बना लूँ भाई मैं मन्ना उन हमारे पास ही भिजवा दिए फिर। नहीं बना लूँ भाई मैं, बस थोड़ा सा का साइड पे भी दिखाई दे ना उसने। हाँ। भी मने कर दिया था मैंने वो ना भाई बन जाएगी, मैं बना दूंगी इसे। चल ले जाऊँ एक देख कर बना लूँ मैं। नहीं कर लूँ भाई मैं, यू अपनी यूट्यूब पर बना कर डाल दूँ मैं। मैंने बहुत सोनी पगड़ी ऊन की बनाई थी, ऊन की बनाई थी वैसे भी। अभी मेरा बच्चा मेरा गंजा कुछ अभी यहाँ पे गोले के कपड़े पैकिंग शुरू हो गई है। ऐसे ऐसे लगाने चाहिए लगा देखो कैसे ऐसे काफी सारे आ जाएंगे ऐसे। ये चल रहा है लगा दो जैसे लगाते आ रहे शुरू से। इतने कपड़े तो जाने भी नहीं इसके, कहीं नहीं गर्मी आपको दो नई वाली है दो पुरानी है। जो जिस टाइम पे मतलब कि गया था ना ट्रेनिंग पे तब किया है। शर्ट अलग कर दूँ जोड़ा लगा दूँ हमारी साइकिल टूटी की मम्मी। एक पुरानी बता दूँगा शर्ट पुरानी कर रहा दो टॉवल रख लगे टॉवल भी वैसे मिले वैसे जी हो गए दो। इसके टॉवल दो रख देंगे क्योंकि भाई कभी ऐसा हो ना दिल में होगा सूखता नहीं तो रखने के लिए मतलब यूज करने के लिए। एक तो पुराना एक तो ना खोला भी बिल्कुल नहीं नहीं निकालने का। जैसे कि बेडशीट वगैरह होगी ये भी नहीं निकालनी। और भाई ये बेल्ट वगैरह होगी इसकी इस तरह की ये भी निकालनी से। ये भाई ड्यूटी टाइम पे निकालनी जा गया
ये बेडशीट होगी देखो ये वाली वाइट कलर की, ये वो एक और बेल्ट होगी, ये तो वर्दी वाली है इसकी जो वाइट ड्रेस की बेल्ट है, ये वाली तो अलग रखी जाओगी। कैप कैप रख दो, दो तीन कैप इसमें रख दूसरे ना, गाइस आज हम बनाएंगे बेसन के लड्डू। और यहाँ पे अभी हमने जो है तो यहाँ पे बेसन भून लिया गया है घी में, तो पहले ठंडा होगा फिर इसके बाद इसे मिक्स किया जाएगा। अभी ये हो गया बेसन भुना हुआ घी में भून रखा, अभी इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। अरे निका क्या कर रहे हो, दिखाइए फिर टम्बू दिखा दा अपना, खोल भी दे इतनी देर में। ड्राइवर कहाँ इसका, ड्राइवर कहाँ इसका, ड्राइवर ड्राइवर दिखा इसका टम्बू का, जो टम्बू चला हुआ है। टम्बू कौन चलाएगा, बैठा इसमें तो हाथ भी पैट दिए इसके। क्या क्यों पढ़ा था ना, क्यों पढ़ा था ना, अच्छा है किसके लिए तो बता दो, पूरी फैमिली के लिए। वैसे तो नाम तो बोलेगा या बोलेगा बना कर दे रहे हैं, लेकिन खावांगे सब। बतेरे बैठ जाएंगे तो बेसन के लड्डू खा लेगा, मिठा मिठा देना ना कुछ बना के, तो बेसन के लड्डू सबसे आसान है, जल्दी बना के देगा, जल्दी बन जाएगा।